नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का बयान, बोले 2018 चुनाव में मैंने त्रिपुरा के लोगों से किया था एक झूठा वादा। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा, राहुल बोले देश में आरएसएस बीजेपी के लोग एक दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, यात्रा की हुई शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 एनआरआई को किया सम्मानित, शिवराज ने दूसरे दिन भी हाथ जोड़कर मांगी माफी, बोले असुविधा हुई तो हमें क्षमा कीजिए। दिल्ली में बीते 23 सालों में सबसे भीषण ठंड, बिहार के 8 जिलों में सीवियर कोल्ड डे जारी, पंजाब हरियाणा में आज बारिश की संभावना। हरियाणा में सत्ता पक्ष के विधायक दल की बैठक, सीएम बोले लोकल बॉडी के अधिकार बढ़ाएं, पंचायतों में 1100 करोड़ से होगा विकास। अलीगढ़ में लुटेरों के हौसले बुलंद, कार में बैठी दंपत्ति को 3 अज्ञात लुटेरों ने लूटा, तमंचे व चाकू के बल पर की 3 लुटेरों ने लाखों की लूट। बुलंदशहर में बचपन बचाओ आंदोलन के तहत 4 नाबालिग बच्चों को कराया गया मुक्त, होटल और ढाबों पर मजदूरी कर रहे थे मासूम बच्चे। कानपुर में दिनदहाड़े मोबाइल की दुकान से नोटों की गड्डी उठा ले गए चोर, शातिर चोर की चोरी की घटना कैमरे में हुई कैद। बुलंदशहर में NH-51 पर अज्ञात वाहन ने अज्ञात व्यक्ति को कुचला, हादसे में मौके पर युवक की हुई मौत, मृतक की शिनाख्त कराने में जुटी पुलिस। मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 48 घंटे के लिए कोल्ड डे का अलर्ट, कानपुर के मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। पाकिस्तानी हिंदुओं को गंगा में अस्थि विसर्जन के लिए वीजा, बोले पुरखों का सपना पूरा हुआ, अब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इमरान खान की वार्निंग में पूर्व पीएम बोले अफगानिस्तान पर हमले की गलती ना करे पाकिस्तान, जंग शुरू हुई तो खत्म नहीं होगी। पेरू में हिंसा के दौरान 17 की मौत, पूर्व राष्ट्रपति की रिहाई की मांग कर रहे समर्थक, सेना भिड़े, इमरजेंसी लगाए जाने के संकेत। ब्रिटेन का पहला स्पेस मिशन फेल, ऑर्बिट में एंट्री नहीं कर पाया, रॉकेट लॉन्च देखने के लिए उमड़ी थी सैकड़ों की लोगों की भीड़। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, साउथ कोरिया जापान के नागरिकों की एंट्री रोकेगा चीन, भारत में कोवैक्स बूस्टर डोज पर हो सकता है फैसला। टीम इंडिया ने जीता साल का पहला वनडे, श्रीलंका को 67 रन से हराया, 4 साल बाद कोहली का घर में शतक। मलेशिया ओपन में पहले राउंड में हारे श्रीकांत, साइना जापानी खिलाड़ी निशिमोटो ने दूसरी बार हराया। सत्ताईस आपराधिक मामलों में शामिल बुराक, अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए बॉक्सिंग क्लब से जुड़े अब बच्चों को भी देते हैं ट्रेनिंग। पहले वनडे में बने 17 रिकॉर्ड्स, विराट ने सचिन के 3 रिकॉर्ड तोड़े, रोहित गिल और उमरान ने भी रचा इतिहास। सोलह टीमों में हॉकी वर्ल्ड कप की जंग, बेल्जियम ऑस्ट्रेलिया फेवरेट, भारत चौथी बार करेगी मेजबानी। गोल्डन ग्लोब में RR को अवार्ड, नाटू नाटू गाने ने जीता बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब, सेरेमनी में भावुक हुए म्यूजिक कंपोजर। फिल्म कुत्ते पर विवाद, ASP की बेटी पहुंची हाईकोर्ट, पोस्टर में पुलिसकर्मियों के चेहरे पर कुत्ता दिखाया, 12 को सुनवाई। एक बार फिर पेपरोजी से भिड़ी तापसी पन्नू, कहा आपको लग जाएगी, फिर बोलोगे एक्टर की वजह से लग गई, लोग बोले दूसरी जया बच्चन है।
विद्या बालन बनी भाभी जी घर पर की हैं अंगूरी। यूजर्स बोले फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया है, आप अकेले ये फिल्म हिट करा देती हैं। हिमाचल में नानी के घर पहुंची यामी गौतम, कई दिनों में मंडी में रह रही थी, बोली बिलासपुर की धाम बनानी सीख रही। आज के लिए 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।